हेलो गाइस, मैं हूँ अनुराधा। आपका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकले की रेसिपी, जो एक गुजराती डिश है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमें ढोकला बनाने के लिए चाहिए बेसन। हमने 2 कप बेसन लेना है और उसको पूरा छान के लेना है। ये देखिए, मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। इसीलिए हमने छानना है कि इसमें जो ये गांठे आती हैं, ये छानने से प्रॉपर सारी क्लियर हो जाएंगी और हमारा बेसन जो है बिल्कुल हल्का हो जाएगा। बेसन के साथ हमें चाहिए चीनी, नमक, हल्दी, कुछ कड़ी पत्ते और हरी मिर्च, रिफाइंड ऑयल, नींबू का रस, इनो 1 पैकेट मैंने लिया है, आप इसकी जगह मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, और राई तड़के के लिए, पानी घोल के लिए भी और तड़के के लिए भी। गाइस, ये हमने बेसन छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और 2 चम्मच हम इसमें शुगर डालेंगे। दो चम्मच ही हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे कि स्टीम होगी तो फिर कलर छोड़ जाती है, रेड कलर में हो जाती है। और 2 चम्मच ही हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। को मिक्स करके इसमें हम पानी डालकर घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा कर ही पानी डालना ताकि एकदम पतला ना हो। गाइस, हमारे बैटर की थिकनेस देखिए ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इनो डालेंगे ना, ये और थिक हो जाएगा। अब हम इसमें इनो डाल देते हैं। अगर आपने इनो ना डालनी हो, आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। देखिए, हल्का सा इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे। एक ही साइड में घुमाई जाना है, दूसरी साइड नहीं करना, क्लॉकवाइज ही घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एक ही तरह घुमाना है। और देखिए बबल्स कितने आ रहे हैं और हमारा बैटर जो है कितना थिक हो गया है। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको अब स्टीम कर लेना है। गाइज, हमने ये गैस ऑन कर लिया है और इसके ऊपर कढ़ाई रखी है। मैंने इसमें 2-2.5 गिलास पानी डाला है और ऐसा स्टैंड आप कोई ले लीजिए। इतनी देर हमारा ये पानी गर्म होता है, हम इसको लिड से ढक देंगे और अब हम इसके बाद अब हम ये थाल रेडी कर ले रहे हैं। इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, इसको ग्रीस कर लेंगे, फिर हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेना ताकि निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम ना आए। गाइस, देखिए हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो गया है, स्टीम आ रही है इसमें कितनी। बस अब हम अपना जो बैटर है, इसको ये जो हमने थाल रेडी किया था ग्रीस करके, उसमें भी छा लेंगे। सारा ही घोल हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए गाइस, अब मैं इसमें रख दूंगी। गाइस, हमने जो बैटर रेडी किया था थाल में डाल के इसमें डाल दिया है। अब इसमें स्टीम आ रही है, अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर रख देंगे, प्रॉपर आधे घंटे। गाइस, जब तक हमारा ढोकला बन रहा है तब तक हम तड़का रेडी कर लेते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है, उस पर एक कढ़ाई रख ली है, इसमें हम ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया हमने। गाइस, ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें राई डाल देंगे, साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे और जो हमने स्लिट करके हरी मिर्ची ली हुई है वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे चला लेंगे। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और 2 चम्मच मैं इसमें शुगर डाल दूंगी।
एक कप हम इसमें सॉरी एक गिलास इसमें हम पानी डाल देंगे। इसको एक उबाल आने देंगे। गाइस देखिए कितना अच्छा ऊपर कलर आ रहा है। अब इसको हम टूथपिक से करके देखा है, बिल्कुल टूथपिक क्लियर आई है। आपके पास टूथपिक ना हो तो नाइफ से करके देख लीजिए। ये देखिए नाइफ से किया है, नाइफ भी बिल्कुल साफ है। अब ये बन चुका है। 30 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट्स बाद बिल्कुल। गाइस अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और हमने जो तड़का बनाया था वो इस पर डाल लेते हैं। गाइस ये अब हम इस पे सिरप डाल लेते हैं जो हमने बनाया था तड़का। गाइस देखिए हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।